हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इंडिया की नंबर वन ब्रांड पेंसिल्स का, नटराज पेंसिल्स का। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, इसकी पैकिंग काफ़ी बदल चुकी है गाइस। जो पहले पैकिंग आती थी उससे काफ़ी एडवांस्ड पैकिंग है, लोगो भी इन्होंने चेंज कर दिया हुआ है। ये देखिए, न्यू इम्प्रूव्ड बोल राइटिंग। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। इसके प्राइस की बात कर लेता हूँ तो इसका प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है गाइस। पहले आपको ये 40 रुपीज़ में मिल जाती थी, अब इसका प्राइस बढ़ के 50 रुपीज़ हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं MRP इसकी। इसमें आपको 10 पेंसिल्स मिलती हैं, HB पेंसिल्स हमेशा की तरह। और इसमें आपको ये एक शार्पनर मिलता है, एक इरेज़र मिलता है, टिपिकल जो रहता है नटराज का, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इरेज़र होता है वो। और एक शार्पनर मिलता है, वो भी अच्छी क्वालिटी का होता है, लॉन्ग पॉइंट तो नहीं होता है बट काफ़ी एडवांस्ड होता है वो। तो चलिए, दुनिया का और देश का सबसे अच्छा ब्रांड नटराज पेंसिल्स अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी यहाँ से। ये देखिए, टिपिकल जो इसमें इरेज़र होता है वो दिया हुआ है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा इरेज़र होता है, मैंने इसको यूज़ किया हुआ है गाइस। काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है इसकी, तो आप जब भी यूज़ करेंगे तो इसमें डस्ट बहुत कम होती है। अगर फाइन फाइन आप डिटेलिंग करना चाहते हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है ये। और इरेज़र दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इरेज़र है ये। और ये शार्पनर की बात कर लेता हूँ, ये शार्पनर, ये भी लॉन्ग पॉइंट तो नहीं है लेकिन ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। थोड़ा सा ही शार्प करने पे आप अच्छी लीड इसमें निकल आती है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये। पेंसिल्स की बात कर लें तो पहले से क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है और अच्छी क्वालिटी की पेंसिल्स दे रहे हैं ये लोग आजकल। ये देखिए, 10 पेंसिल्स इसमें काउंट होता है इसका। स्पेशली अब अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं गाइस, तो पोर्ट्रेट में जो आप शेडिंग करते हैं तो शेडिंग इससे काफ़ी अच्छी होती है, स्मूथ होती है। मैंने बेस्ट पेंसिल्स यही होती है, मैंने इसको यूज़ किया गाइस अपनी पोर्ट्रेट में। जब भी मैं पोर्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ तो मैं इससे शेडिंग करता हूँ हमेशा, तो काफ़ी अच्छी शेडिंग होती है इससे। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इससे अच्छी शेडिंग हो ही नहीं सकती किसी पेंसिल से, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप भी इसको यूज़ करके देखिए शेडिंग में। पोर्ट्रेट आप जब भी ड्रॉ करते हैं इससे आप फाइन शेडिंग करिए, ब्लेंडिंग करिए, काफ़ी अच्छी स्मूथ शेडिंग होती है और ब्लेंडिंग भी होती है इससे। अगर आप एक बार इस पेंसिल को यूज़ कर लेंगे तो हमेशा इसी को यूज़ करेंगे शेडिंग के लिए। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों की दिवाली अच्छी गई हो। हैव फन, एन्जॉय, माता पिता का ख्याल रखें और नेचर को बर्बाद ना करें क्योंकि नेचर है तो हम हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।